तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफिनेट वीपीएन के बारे में। दोस्तों इस वीपीएन को देखें तो 10 हज़ार से ज़्यादा इस वीपीएन को लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और अभी कैसे हाल ही में लॉन्च हुआ है। हम बात करें इसके डाउनलोड की तो कैसे अभी 30 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था और गैस अभी ये हाल ही में अपडेट भी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं 9 जून को ये अपडेट हो चुका है 2024 में। अब गैस इस वीपीएन को बहुत सारे बंदे डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि अभी अपडेट होने के बाद से इसको बहुत सारे बंदे डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में गैस जानेंगे ये वीपीएन क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है। सिंपली गैस जब आप इस वीपीएन को ओपन करोगे आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे देगा। आप लोग गैस यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कनेक्ट करने का ऑप्शन और नीचे आप लोगों को गैस देखने को मिल जाती है सर्वर लिस्ट। बट आप लोग क्या करना है गैस, क्लिक करना है यहाँ 3 डॉट के निशान पे। जब आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे आपको इस तरह से दिखाई दे देगा। यहाँ आपको शेयर करने का ऑप्शन दिखाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं इसकी और टर्म्स ऑफ सर्विस वगैरह भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाती है। तो सिंपली आप लोग यहाँ चेक कर लेना, देन बैक आ जाना। अब बात करेगा इस यहाँ पर सर्वर की, तो आप लोग नीचे आपको एक सर्वर लिस्ट दिखाई दे देगी, आप उस पर क्लिक कर देना। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को 4 सर्वर देखने को मिल जाते हैं। आप ये कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको फास्टेस्ट सर्वर कनेक्ट करना है तो आप लोग स्मार्ट लोकेशन पे क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस कनेक्शन रिक्वेस्ट मिलेगी। गाइस हर वीपीएन में आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट मिलेगी तो अलाउ करने के लिए ओके पे क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे एक क्लिक में गाइस कनेक्टेड हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली हमारा सर्वर और आपको यहाँ दिखाई दे देगा। बात करें गाइस यहाँ की इसकी टाइम लिमिट की, तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं मिलती, जब तक चाहे इस वीपीएन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो आप लोग इस पर क्लिक करना है यहाँ पे कनेक्ट वाले ऑप्शन पे। जब आप इस पर क्लिक करोगे स्टॉपिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी डिस्कनेक्ट भी एक क्लिक के अंदर हो जाता है। तो बस इस तरह का इस वीपीएन को आप कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह आप लोग इस वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं।